हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका स्वागत करता हूँ अपने चैनल NGI पे। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ बजाज कैसे बना बजाज पल्सर। ये हमारी इस वीडियो का पार्ट टू है। अगर आपने पार्ट वन नहीं देखा तो वीडियो आई बटन में आ रही है, जाके देखें। और अगर पार्ट वन देख रखा है तो बहुत अच्छी बात है, आप हमारी पूरी वीडियो देखिएगा। और अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है तभी हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अन्यथा ना करिएगा। आइए वीडियो की तरफ चलते हैं। 90 का दशक चल रहा था, बजाज की जड़ें मार्केट से उखड़ चुकी थी, बजाज की बादशाहत पूरी तरीके से खत्म हो चुकी थी। उसी बीच राजीव बजाज वार्विक यूनिवर्सिटी से अपनी इंजीनियरिंग खत्म करके भारत आ चुके थे। राजीव बजाज की रुचि उन पुराने स्कूटर्स में तो नहीं थी, उनकी रुचि तो मोटरसाइकिल्स में थी। उन्होंने पुणे में एक एडवांस प्लांट लगाया। उस समय उनके सभी सीनियर्स उस प्लांट के खिलाफ थे, पर उनकी मंशा तो कुछ और ही थी। उसी बीच हीरो होंडा ने 11 मिलियन स्प्लेंडर्स बेच के सबको चौंका दिया, उन्होंने इतिहास रच दिया। उनकी टक्कर में आने के लिए बजाज ने भी कुछ बाइकें डेवलप की, पर वो बुरी तरीके से फेल हो गई, क्योंकि हीरो होंडा 4 स्ट्रोक थी और बजाज की जो बाइकें थी वो थी 2 स्ट्रोक्स। उसके बाद राजीव बजाज ने इस बारे में बहुत गहराई से सोचा और उन्हें अपनी गलती का पता लगा कि वो आज तक अपने कॉम्पिटिटर को नीचा दिखाना चाहते थे, उनसे ऊपर जाना चाहते थे, पर उन्होंने कभी भी अपनी बाइकों में सुधार नहीं करा, इस वजह से वो हमेशा नीचे रहते थे। इस बार उन्होंने सोचा कि वो कुछ अलग करेंगे, सबसे यूनिक करेंगे। राजीव बजाज ने क्या यूनिक डेवलप किया? उन्होंने कौन सी यूनिक बाइक डेवलप की? क्या वो बाइक मार्केट में तहलका मचा पाई? क्या वो बाइक उनकी बादशाहत वापस ला पाई? या वो बाइक भी और बाइकों की तरह मार्केट में बुरी तरीके से फेल हो गई? ये हम जानेंगे इस वीडियो के पार्ट 3 में। हमारे इस वीडियो के पार्ट 3 में बने रहें। ये वीडियो आपको कैसी लगे कमेंट में ज़रूर बताना। हमारी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।